अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वैसी एक गलती जरूर कर बैठता है जो उसे सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। पवन, रीमा और भागेंद्र, अपराध की ये कहानी इन्हीं तीन नामों के इर्द गिर्द घूमती है। ये तीनों राजस्थान के भरतपुर के रहने वाले हैं। लाल कमीज पहने ये आदमी जिस कच्चे रास्ते को दिखा रहा है उसे उस तरफ जाता है जहां कत्ल करके लाश को सड़ने के लिए फेंक दिया गया। लाश थी पवन की। ये तस्वीर भी पवन की है। पवन 29 मई को अचानक लापता हो गया। किसी को अंदाजा ही नहीं था कि पवन अचानक घर छोड़कर कहां चला गया। उसकी पत्नी रीमा को भी अपने पति के बारे में कुछ नहीं पता था। जाहिर सी बात थी कि मामला पुलिस तक पहुंचना ही था। पुलिस ने पवन की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की और उसकी तलाश शुरू कर दी। लेकिन मिलेगा तो वो जो लापता होगा। दिन, हफ्ते और महीने बीतते चले गए। पवन के घर वापसी की उम्मीद सभी को थी, उसकी पत्नी रीमा को भी, और इसलिए वो हर तीज त्योहार सुहागन की तरह मनाती थी। लेकिन अभी तो अपराध की इस दास्तां में भूपेंद्र की एंट्री को होना बाकी है। कौन है भूपेंद्र, ये बताने के लिए आपको पहले रीमा का फेसबुक प्रोफाइल देखना होगा। इसी फोटो को देखने के बाद भूपेंद्र ने रीमा और पवन की जिंदगी में एंट्री मारी थी। भूपेंद्र गांव में रीमा का पड़ोसी था, लेकिन वो दिल्ली में काम किया करता था। फेसबुक पर उसने रीमा का प्रोफाइल फोटो देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि ये पवन की घरवाली है। वो जब वापस गांव गया तो उसने पड़ोसी पवन के घर आना जाना शुरू कर दिया। इसी दौरान पवन और रीमा की इशारों में बात होने लगी और जल्द ही दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। हैरत की बात तो ये भी थी कि रीमा एक बच्चे की मां थी, लेकिन इस बात से ना तो उसे और ना ही भूपेंद्र को फर्क पड़ता रहा था। दोनों इतने करीब आ गए थे कि उनके बीच शारीरिक संबंध तक बनने लगे। और एक रात जब पवन अपने कमरे में सो रहा था तो भूपेंद्र रीमा से मिलने के लिए उसके घर जा पहुंचा। दोनों आपत्तिजनक हालत में थे कि तभी पवन की नींद खुल गई। पवन को देखते ही भूपेंद्र और रीमा ने उसे शांत करने के लिए उसका मुंह दबा दिया, फिर गला घोटकर उसकी जान ले ली। रात ही में पवन की लाश को घर से करीब 2 किलोमीटर दूर तक तालाब में फेंक दिया। इसके बाद भूपेंद्र दिल्ली चला गया और रीमा ऐसे जताने लगी कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पवन की मौत राज ही रहती अगर रीमा और भूपेंद्र को पवन के पिता आपत्तिजनक हालत में ना देखते, क्योंकि इसके बाद ही इस बात का खुलासा हुआ कि जिस पवन को लापता समझा जा रहा था दरअसल उसकी हत्या हो चुकी है। पाप तक तो दूर ये नहीं है, अब रहेंगे। पापा मर गया। किसने कहा था ये? मम्मा ने। अच्छा, आप मम्मा के साथ थे? उस कह रही थी। अच्छा, मम्मा के पास और कौन था? बोला चाचा। पहले देखा था उनको? बोला चाचा को पहले आते थे? पापा से मिलने आते थे। अच्छा, फिर कब जाते थे वो? थोड़ी देर बाद। अच्छा, और या कभी कभी रात में भी रुके थे? थोड़ी देर फिर चले जाते थे रात में। और फिर मम्मा ने क्या बोला तुम्हारे? मम्मा ने कुछ नहीं बोला, पापा बात करता था जब। अच्छा, श्रृंगार करके पूरा श्रृंगार करके व्रत रहिए, व्रत रहिए और पूजा वूजा करिए ताकि शक नहीं हो। 6 महीना तक ये को वहाँ चूना डाले यानी तो बउआ को नाम ही ना लियो बहुत गाला तीनों को ये कि काके में तेरो पापा तो मर गो, कबू दूर ना रही हो, अब दूर रह रहो तो पापा मर गो। अच्छा, वो पूरी सब्जी जो बनाई थी वो कहाँ पर बैठ के खाई थी? बेड पे, जहाँ वहाँ अंदर बंद कर रखो। वो मार के अंदर रखा गया था? बंद कर रखो अंदर मार के, और उसके ऊपर बैठ के फिर उन्होंने अपने प्रेमी के साथ में। हाँ, और खून की वे जो कपड़ा है वे तकिया में भर रखे, वो बंद कर दी तकिया। और उस जो घर की ये बहू थी, क्या नाम था उसका? रीमा। और वो किसके साथ बैठ के खा रही थी वो खाना? लड़का नहीं, रात में जब रात में आया बोला तो। अच्छा, रात में आया तो बैठ के दोनों ने खाना खाया, तब उस रात में लेके गए दोनों और बाकी संग दो और। पवन शर्मा की 29/5 को गुमशुदगी होने पर उन्होंने 4/6 को गुमशुदगी दर्ज कराई। फिर 20/11 को उनको डाउट हुआ उसकी बेटे की बहू पर और उसके प्रेमी भोला पर, जो उन्हीं के गाँव का था, उनको
संदिग्ध अवस्था में देखने पर उनको डाउट हुआ कहीं कुछ घटना तो नहीं हो गई। इनको दो दिन पहले पुलिस ने बुला करके पूछताछ की भोला को और उनकी पुत्रवधू को रीमा को, तो कहानी का पटाक्षेप एक प्रेम प्रसंग के रूप में और एक हंसता खिलता परिवार खत्म हो गया। और पत्नी जिसकी रीमा पवन की पत्नी है रीमा, उसने और अपने उसके प्रेमी ने पवन की उसी रात हत्या करके गांव के पास में जो नहर है उसमें सब बोरे में रख करके डाल करके उसको डुबो दिया। 6 माह बाद घटना के बारे में जानकारी मिलने खुलासा होने के बाद में आज उसकी सर्चिंग कराई गई नाले की जो नहर है, तो उसमें उसके हड्डियों के टुकड़े और जो पत्थर बांध करके डुबोया था वो बोरी और उसकी पैंट शर्ट और उनके पहचान पत्र आधार कार्ड वगैरह मिले हैं। हड्डियों का डीएनए टेस्ट करवाया जाएगा। मुलजिम भोला को और उसकी प्रेमिका रीमा को डिटेन किया गया है और गिरफ्तार करके इनको विस्तृत पूछताछ की जाएगी, जिसका इसमें एक संदिग्ध मुलजिम का और भी नाम आ रहा है जो भोला का दोस्त है, उसके बारे में भी जानकारी की जाएगी। एक अपराध को छुपाने के लिए दूसरा अपराध और दूसरे पर पर्दा डालने के लिए तीसरा, इसी तरह अपराध की हर दास्तां चलती है लेकिन अंत तो सभी का वही है जिसे जेल कहते हैं। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।